हेलो बच्चों, आज सुबह हमने टाइप नंबर 5 कराया था। टाइप नंबर 5 में एक होमवर्क दिया था हमें, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन था हमारा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने कहा था इक्वेशन केवल बदलनी थी हमें, हमने इस इक्वेशन की जगह हमने ये नई इक्वेशन दे दी थी ग्रीन वाली, साथ में ये सभी वैल्यूज फाइंड करनी थी। ठीक है, सिक्स थी ये, तो सिक्स की सिक्स वैल्यू फाइंड करनी थी, तो देख लीजिए एक बार। और आज जो बच्चे नए जुड़े हैं वो बेटा ये देख लीजिए, आपको वो सारे वीडियो देखने हैं जो हमने मैथ में सारे वीडियोस मैंने आज ग्रुप में फिर दोबारा से डाल दिए हैं सीक्वेंस से, तो सभी वीडियोस को सीक्वेंस से देखना है और कॉपी में नोट करना है। कॉपी आप थोड़ी मोटी बनाना, कम से कम अगर मिल जाए तो 400 पेज की, अगर नहीं मिले तो छोटी कॉपी भी बना सकते हो, लेकिन जैसे ही कॉपी बढ़ेगी दूसरी कॉपी बनानी है। जब स्कूल खुलेंगे तो सबसे पहले आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है बेटा, तो देखो जरा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था ये, x² + x + 1 को हमें ये सारी चीजें निकालनी है उसकी वैल्यू से। मैंने कहा था इस तरह का एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ठीक है बेटा, लेकिन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। और जो आपका होमवर्क होगा वो बेटा चेक करने के बाद, जब हम रात को 8 बजे सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे, उसको पहले हमें चेक करना है हमने जो काम किया है। नए बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस है बेटा ये कि पहले सुबह के टाइम हमारी क्लास होगी, होमवर्क मिलेगा, जो भी होमवर्क मिलेगा शाम को रात को 8 बजे क्लास दोबारा से होगी, उसके सॉल्यूशन की आपको सॉल्यूशन मिलाना है, उसमें जो भी गलतियां हैं उसे करेक्ट करना है, अगर ज्यादा गलती है तो उस क्वेश्चन को काट के दोबारा करना है, फिर उसकी फोटो खोज खींचनी है, और फोटो खींचने के बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे कि मैं ये चेक करता रहूं किस बच्चे ने काम भेजा, और जब आप भेजोगे तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है 9th वाली कि 9th में आपका सेक्शन ए था या बी था या सी था जो भी था, और साथ में रोल नंबर लिखना है 9th वाला ही, जिससे कि मैं वो रिकॉर्ड जो बना रहा हूँ उसमें मुझे आसानी से मिल जाता है। मैं फिर लिख देता हूँ कि भाई किस दिन किस बच्चे का काम आ गया मेरे पास। ठीक है बेटा, डेली का डेली रिकॉर्ड बन रहा है, जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद हम उसी आधार पर कॉपियां चेक करेंगे आपकी कि भाई किस बच्चे ने वीडियो कब देखा था, और लिखना है डेट डेट वाइज लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम। देखिए बेटा, ये था क्वेश्चन मेरा x² + x + 1। जिन्होंने सुबह वीडियो नहीं देखा था वो थोड़ा ध्यान से देख लें, और जिन्होंने सुबह वीडियो देखा उन्हें तो समझ में आ गया होगा, फिर भी क्योंकि बीच के जो कुछ कंसेप्ट हैं वो हमारे पुराने वीडियो से रिलेटेड है, तो इसलिए जब आप पुराने वीडियोस देख लोगे तभी ये इस कंसेप्ट अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्लो समझा देता हूँ मैं आज जल्दी, जिससे कि जो बच्चे आज जुड़े हैं वो भी थोड़ा थोड़ा समझने लग जाए। तो बेटा ऐसे करना है आपको, जो ये वाला टाइप है वो अभी शुरू कर देना, जिससे कि ऐसा हो कि ये समझ में आ जाए, बाकी का धीरे 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 वो पुराना वाला काम नोट कर लेना है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, ax² + bx + c, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हमने जब इसमें कंपैरिजन किया तो x² से पहले a आ रहा है, यहाँ पर x² से पहले कुछ नहीं आ रहा, तो आपको पता है कुछ नहीं से का मतलब 1। अगर 1 से x² का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है, 1 से x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है हमारा x², तो इसलिए हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो a की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 1। अब देखिए यहां पर जो मेरा x का कोफिशियंट है, एक मिनट बेटा, x का जो कोफिशियंट है वो है b, यहां पर x का कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो x लिखा है ये किस तरह लिखा होगा, 1 × x, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे x से पहले यहां पे क्या आ रहा है, 1। तो ध्यान रखें कब हमें 1 लेना है और कब हमें 0 लेना है, जब x ही नहीं आता इसमें तब हम लेते हैं 0। ठीक है, कि 0 से मल्टीप्लाई होके वो एक्स क्या हो गया होगा, 0। चलिए अब देखा हमने सी, देखिए सी देखा हमने, सी यहां पे कॉन्स्टेंट है, यहां पे ये सी 1 है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू भी 1 हो गई,
बी की वैल्यू भी वन हो गई, ए की वैल्यू भी। चलिए अब मैंने एक फॉर्मूला बताया बेटा टाइप नंबर फोर में, जीरो सम ऑफ जीरोस, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे शून्य अंकों का युग। ठीक है बेटा, ऐसे हिंदी में पूरा लिखना है। अच्छा लिखना बेटा कॉपी में, अगर आप चाहो तो केवल हिंदी में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो केवल इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अगर दोनों में लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में आसान होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में आसान होते हैं, तो यदि दोनों में भी लिख दोगे तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब जैसे ये इसका फॉर्मूला मैंने बताया था टाइप नंबर फोर में, जब फाइव, ये आज हम बात कर रहे हैं टाइप फाइव की, तो टाइप नंबर फोर कराया होगा इससे पहले, उसमें बताया था ये फॉर्मूला कि ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। देखिए माइनस साइन तो ये रहा, बी की वैल्यू मेरी वन आई, अपॉन माइनस वन को वन से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, माइनस वन। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोलते थे शून्य अंकों का गुणा हिंदी में, मल्टीप्लाई करना, तो ये होता था सी अपॉन ए, क्योंकि सी की वैल्यू भी वन है, ए की वैल्यू भी वन है, तो वन अपॉन वन करूंगा तो क्या आएगा मेरा वन। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी आ गई जो हमारी मेन काम की वैल्यू है। एक तो मेरी वैल्यू निकल के आ गई अल्फा प्लस बीटा की, क्या निकल के आई है मेरी, माइनस वन, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है वन। ये दोनों वैल्यू से ही हमें ये सारे जो छह हमारे टाइप दे रखे थे ये सॉल्व। चलिए सबसे पहले ये पूछा था उसने इसकी वैल्यू क्या होगी, जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो इसमें अल्फा बीटा दोनों कॉमन आ रहा है, तो इसमें से अल्फा ले लिया, इसमें से बीटा ले लिया, तो ये बच गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है माइनस वन, रख दी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वन आ रही है, आपको पता है माइनस वन से वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का वन। कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। यदि किसी बच्चे को इस तरह के प्लस माइनस मल्टीप्लाई में दिक्कत आती है तो वो बच्चा चाहे तो वो एक मैंने प्लस माइनस का वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा आपका, ऊपर देखिए ध्यान से राइट साइड में, राइट साइड में आई का बटन आ रहा है, उस बटन को आप क्लिक करोगे तो उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो उसमें आपको सिंपल तरीके से प्लस माइनस, जैसे टू में से थ्री माइनस किया तो कितना आएगा, माइनस टू माइनस थ्री क्या आएगा, टू का माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन किसका आएगा, प्लस किसका आएगा। तो जो जिन बच्चों को इस कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो वो बच्चे ऊपर वाली आई के निशान पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है हमारा अल्फा बीटा की वैल्यू वन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन, दोनों का मल्टीप्लाई किया, दिस इज योर आंसर। अब सेकंड कंसेप्ट ये पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा इसे देखने के बाद आपको ये लग सकता है नए बच्चों को कि जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का तो फॉर्मूला था हमारे पास, जो फॉर्मूला था आपके पास वो था अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जबकि ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो देखो, हमने देखा दोनों में प्लस आ रहा है तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर याद किया। सब बच्चों को याद है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। अब वो जो वैल्यू पूछना चाह रहा है वो इस चीज की पूछ रहा है, तो जो चीज LHS में प्लस की है RHS में जाके माइनस की हो जाती है, जो माइनस की है वो क्या हो जाती है प्लस की, मल्टीप्लाई की जो चीज है वो क्या होती है डिवाइड, और डिवाइड वाली चीज क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो उस आधार पर ये जो मेरा ये आ रहा है मेरा प्लस का 2AB। जब ये RHS में प्लस का 2AB है, अगर मैं इसे LHS में भेज दूंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। सब बच्चे जानते हैं इसे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें याद है, ऊपर निकाल ली है हमने, कितनी आई है माइनस वन, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वन, वन रख दी। अब माइनस वन का स्क्वायर, अगर वही सेम कंसेप्ट माइनस वन का माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस वन, तो टू बन जाए, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा, बड़ा कौन है यहाँ पे टू, तो इसलिए ये माइनस का वन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह जब ये क्यूब आ गया, जब आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं लेकिन उस तरीके से थोड़ा सा लंबा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने किससे निकाला, ए प्लस बी के होल क्यूब से। ये फॉर्मूला भी याद होगा आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकाल, तो ये फालतू की चीज है मेरी थी, तो ये, और ये किसकी है मेरी प्लस की, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये माइनस की हो जाएगी, RHS से मैंने LHS में भेज दिया माइनस की होगी,
अब इन सभी इसकी वैल्यू मुझे पता है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है माइनस वन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है वन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सारा माइनस वन को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब यहां पे 3 बड़ा है माइनस वन छोटा है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का, तो ये बन गया हमारा 2। डी वाला देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था जिसमें हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था, वो देखो ये वाला दिख रहा होगा, थोड़ा अलग पेंसिल कर देता हूँ। देखो बेटा ये वाला दिख रहा होगा आपको, कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए तो इस फॉर्मूले को मैंने यहां लगा दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वाला अपना फॉर्मूला लगा दिया, जो कि मैंने बनाना है आप बता दिया कैसे बनाना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। अब मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, सिंप्लीफाई किया और मेरा आंसर 0 आ गया। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमको पता है, भिन्न वाले नंबरों को, फ्रैक्शन वाले नंबरों को कैसे प्लस माइनस करते थे, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप अगर चाहो तो फ्रैक्शन वाले वीडियो, फ्रैक्शन ऐसे डाल सकते हो, फ्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने करके एक वीडियो बनाया है जिसमें जो भिन्न वाले नंबर है हमारे, फ्रैक्शन वाले नंबर है, उनको कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं वो बना रखा है। ठीक है, तो वो भी सिंपल तरीके से, जो नॉर्मल तरीका वाला नहीं लगा रखा मैंने, ऐसे ये जो प्लस माइनस का वीडियो है ये इसमें भी नॉर्मल नहीं है, इसमें मैंने अपने तरीके बना रखे हैं। तो इसमें देखिए हमने किया नीचे वाले का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा बन जा बीटा, अल्फा बन जा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा एक ही बात होती है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी, माइनस वन, अल्फा इंटू बीटा 1, सिंप्लीफाई किया ये हमारा आंसर आ गया। अब सबसे लास्ट पूछा है उसने अल्फा माइनस बीटा। सबसे सीबीएसई का या जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें सबसे फेमस क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो याद है ना हमें, हमने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, हर बच्चे को याद है ये फॉर्मूला। तो अब क्या किया हमने, चलो भाई सिंपल इस पे तो होल स्क्वायर लग रहा है, हमें बिना स्क्वायर की चाहिए, तो हमने क्या किया स्क्वायर रूट को डिसाइड कर दिया, दोनों तरफ हमने क्या किया वर्गमूल कर दिया। यदि मैं इसमें दोनों तरफ वर्गमूल कर दूंगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर तो हट जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा रूट, ये आ गया मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था आपको ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने दोबारा से लगा दिया यहाँ पे, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी माइनस वन है, माइनस वन लिख दूंगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरी प्लस वन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्लस वन है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे रूट में ही आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं रूट में आने दो, ऐसा नहीं है कि कोई घबराना है कि भाई रूट में आंसर आ गया तो बहुत गलत हो गया। ठीक है बेटा, कर लोगे कि करके देखो, चलो कर देते हैं बेकार में कुछ कोई बच्चा दिक्कत करे। यहाँ पे देखो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी माइनस वन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वन है तो टू बन जा कितना हो गया टू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वन है तो ये हो गया टू बन जा टू, दिख रहा है क्या। चलिए अब ये बन गया हमारा माइनस वन का स्क्वायर करूंगा वन, माइनस टू और माइनस टू माइनस का फोर, तो ये रूट के अंदर आ गया माइनस फाइव, बस ये छोड़ दो। ठीक है बेटा, हमें ये नहीं देखना क्या है, हमें केवल सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।